LCD LED टिप्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स फॉर वीडियोस अपलोड ऑन माय चैनल प्लीज़ बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये है स्विच का इंडक्शन। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका पैनल काम नहीं कर रहा है, और जैसे मैंने पहले चेक किया था पैनल नहीं काम कर रहा है। इसकी पैनल की टच आई सी है जो मुझे मिल नहीं रही है, तो ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए मैं मदर बोर्ड डालता हूँ। ये बोर्ड है 2200 वाट वाला है, इसमें असेंबल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये बोर्ड अच्छा है पर आईसी के कारण हमें थोड़ा चेंज कर रहे हैं। ये है 2200 वाट वाला इंडक्शन जनरल बोर्ड, और इस बोर्ड के साथ में हमें एक बोर्ड मिला है, उसके साथ में ये स्टिकी टेप जो पैनल माइक्रो स्विच बटन के नीचे लगती है, और ये है इंस्ट्रक्शन मैनुअल हाउ टू इंस्टॉल दिस बोर्ड इंडक्शन के अंदर। फ्रेंड्स, ये मैं साउंड अभी जो पार्ट चल रहा है इसमें एक्स्ट्रा भर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे मोबाइल में थोड़ा इशू था, इसके कारण इसमें साउंड नहीं आया था। वीडियो खींचा था, वीडियो चल रहा था, बाकी साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसके लिए मैं साउंड बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट फ्रेंड्स। ये है इंडक्शन का कॉइल, इसमें दो छड़े रहते हैं, एक है इन एक आउट है, जो आप इस बोर्ड के ऊपर लिखा रहता है एक साइड इन एंड एक साइड आउट। और इस पे जो ये नट और नट्स लगाते हैं या आप सोल्डर करते हैं, बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि अगर ये लूज़ रहेगा तो आपको वो वहाँ पे बहुत ही हीटिंग होता है, तो शायद बोर्ड जल भी सकता है। तो जितना हो सके इसको नट लगाते वक्त बहुत ही टाइट से और अच्छे से लगाइए, और सोल्डर करते हैं तो अच्छे से सोल्डर कीजिए। इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक है इनपुट एक है आउटपुट, ये इन ये आउट है। ओके, ये अभी अच्छे से शायद फिट हो चुका है। ये है प्रेस्टीज का बोर्ड और ये है लोकल बोर्ड, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, प्रेस्टीज और दूसरे और लेफ्ट हैंड साइड में मेरा लोकल जनरल बोर्ड है, पर ऑलमोस्ट दोनों सेम ही हैं, आपको डिफरेंस कर ही नहीं पाएंगे, छुटपुट से डिफरेंस मिलेंगे प्रेस्टीज और लोकल बोर्ड में, फिर भी नो इशू। चलिए फिट करते हैं।
ओके फ्रेंड्स, एलसीडी एलईडी स्क्रीन जैसे हम यूनिवर्सल मदरबोर्ड डालते हैं तो मदरबोर्ड में प्रॉब्लम होती है, तो इसमें भी हम इंडक्शन का जो मदरबोर्ड है यूनिवर्सल आप किसी भी इंडक्शन में डाल सकते हैं। ये 1800 and 2200 वाटेज में आता है, प्लस किसी में भी लग जाता है आप यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छा चलता है। कंप्लीट बोर्ड और बाय फ्रेंड्स।